स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे फूजी XT3 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो आप ये समझिए कि फूजी ने एक बड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया है कैमरा मार्केट में, क्योंकि फूजी फिल्म बहुत पहले से बनाता आ रहा है। फूजी सिर्फ इकलौता था जो कोटेक को टक्कर दे सकता था फिल्म प्रोडक्शन में। तो फूजी जब डिजिटल मार्केट में उतरा तो उसने एक अलग अप्रोच लिया। अप्रोच ये था कि वो फुल फ्रेम नहीं बनाएगा और ना ही माइक्रो फोर थर्ड पे कूदेगा, वो सिर्फ APS-C पे टिका रहेगा और मीडियम फॉर्मेट बनाएगा। तो मीडियम फॉर्मेट जो कि फुल फ्रेम से बड़ा होता है। तो चूंकि इसको पता था कि माइक्रो फोर थर्ड में पैनासोनिक और ओलंपस कूद रहे हैं, तो वहाँ फाइट ना करके APS-C में बनाएगा। और APS-C में ये सिर्फ कैनन और नाइकॉन से बीट करेगा, जो कि अच्छे कैमरा नहीं बनाते थे, क्योंकि अगर बहुत अच्छा बना देते तो उनके फुल फ्रेम का नुकसान हो जाता। इसलिए इसको एक बहुत अच्छा सा नीश मार्केट मिल गया। और मीडियम फॉर्मेट में सिर्फ 3 ही 4 कैमरा मैन्युफैक्चर थे जो बनाते थे, और पागल जैसा चार्ज करते थे, मतलब $30,000 to $40,000 चार्ज करते थे। ये आता है 10,000 में दे देता है, मतलब ये इतना चीप है कि जो लोग मीडियम फॉर्मेट में काम करते हो तो इसका कैमरा ऐसे 3-4 खरीद लेंगे कि भाई 3-4 अगर बैटरी खत्म हो गई कौन बैटरी बदलेगा, भाई दूसरा कैमरा से ही खींच लो। सो आप समझिए कि फूजी ने एक बड़ा यूनिक अप्रोच से मार्केट में पैर रखा है। तो अभी जो ये कैमरा रिसेंटली रिलीज हुआ फोटोकिना में, ये है फूजी XT3। ये सबसे बेस्ट APS-C कैमरा अभी माना जा रहा है। इसके बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं, ये पहला फूजी के हिसाब से पहला कैमरा है जो BSI यानी बैक साइड इल्यूमिनेशन, ये सेंसर की एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि सेंसर काफ़ी कम नॉइस पैदा करता है, मतलब सेंसर खुद ही काफ़ी बेटर हो जाता है। उसके बाद आप प्रोसेसिंग कीजिए तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका सेंसर ही अच्छा इमेज दे रहा है तो प्रोसेस करके आप और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंसर ही नॉइजी दे रहा है तो आप काम उतना अच्छा से नहीं कर सकते। तो इसीलिए BSI जनरली अच्छे हाई एंड कैमरा में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फुल फ्रेम में ही करते हैं। जैसे सोनी के पास है फुल फ्रेम में है, नाइकॉन के पास है फुल फ्रेम में है, कैनन के पास है कि नहीं पता नहीं, लेकिन शायद है, तो वो भी शायद लटका हुआ है फुल फ्रेम पे। तो इस कारण से APS-C को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये APS-C में BSI उतार दिया। तो इसका सेंसर का परफॉर्मेंस अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ दूसरे APS-C से काफ़ी बेटर है, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। अब APS-C सब इतना अच्छा हो गया कि अब ऐसा नहीं कि आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, मतलब बाकी सब में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इसमें एकदम क्लियर कट इमेज आ रहा है, इतना ज़मीन आसमान का अंतर नहीं। लेकिन ये बेटर है और डायनेमिक रेंज भी थोड़ा सा बेटर है, नॉइस परफॉर्मेंस भी अच्छा है, खास करके लो ISO पे। तो सेंसर के मामले में तो इन्होंने पूरा छक्का मार दिया। फिर बात आता है कलर के बारे में। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे सोनी का कलर किसी को नहीं पसंद आता, और वो बात सही है कि सोनी का कलर साइंस जो है वो उतना अच्छा नहीं है। कैनन और नाइकॉन भले सोनी से सेंसर खरीदता था लेकिन अपना कलर टेक्नोलॉजी लगाते थे, तो वो कलर टेक्नोलॉजी के मामले में नाइकॉन और कैनन अभी भी अछूत है, मतलब उसको नहीं छुआ जा सकता, सोनी अभी नहीं पहुंचा। कोशिश कर रहा है, एक दो मॉडल में शायद पहुंच जाए, लेकिन अभी गाड़ी दूर है। फूजी इकलौता है जो उससे ऊपर है, और फूजी से ऊपर सिर्फ एक कैमरा कंपनी है लाइका, और लाइका के बारे में तो बात ही नहीं करना, वो कई 50-60 लाख का कैमरा आता है, मतलब $5,000-6,000 से लेकर $10,000-12,000 तक का कैमरा आता है, तो सोचना ही नहीं है लाइका के बारे में। तो फूजी कॉस्ट के हिसाब से, मतलब दाम क्योंकि इसका लगभग उतना ही होता है जितना एक कैनन या नाइकॉन का होता है, ये उससे बेटर कलर देता है। और ये बात इसलिए है क्योंकि फूजी बहुत फिल्म बनाता था, तो फिल्म में बहुत सारे टाइप बनाते थे, मतलब एक फिल्म आता है जो ब्लैक एंड वाइट है, फिल्म आता था जिसमें मतलब कलर ज़्यादा आता था, वाइब्रेंट रोल जिसको कहते थे, मतलब फिल्म में ही काफ़ी सारे छेड़छाड़ किए जाते थे। वो उसका एक्सपीरियंस होने के चलते फूजी इतना एक्सपर्ट हो गया कलर साइंस में कि फूजी आप मतलब ये कैमरा लीजिएगा, कैमरा से फोटो खींचेगा, जो उससे JPEG निकलेगा वो JPEG इतना अच्छा होगा कि आप उसमें छेड़िएगा ही नहीं। मतलब हाँ, आपका एक्सपोजर सही होना चाहिए, अब एक्सपोजर गलत है तो बात अलग है, लेकिन अगर एक्सपोजर सही है तो उसके बाद आप बहुत खुश रहिएगा कि आपने उसे फोटो खींचा, आप JPEG निकल गया, आपको सोचना ही है, आप मेहनत भी नहीं कीजिएगा कि भैया रॉ खींचना ही नहीं है, सिर्फ JPEG खींचो आराम से निकाल लो, क्योंकि ये इतना अच्छा है। और बहुत सारे टाइप के ऑप्शन देते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है डिजिटल और फिल्म, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो फिल्म है तो फिल्म में एक स्टैंडर्ड है, फिल्म में एक विविड है, फिल्म में एक ब्लैक एंड वाइट है। तो काफ़ी मेहनत करके इन्होंने फिल्म का टेक्नोलॉजी को इनको अप्लीकेट किया है डिजिटल में। तो आप काफ़ी खुश रहिएगा जो इस कैमरा से सीधे निकल रहा है, मतलब आप दूसरे को दिखाइए तो मतलब कई बार आप नोटिस करते होंगे DSLR का फोटो जब तक मतलब लाइट रूम में छेड़छाड़ नहीं करें तो उतना खिलता नहीं है, इसका फोटो खिलता वो बाहर आता, मतलब आप सीधे किसी को व्हाट्सएप में दे पाइएगा। तो कलर के मामले में सोचना है, सेंसर बहुत बढ़िया है और कलर जो आता है उसके बारे में भी सोचना नहीं है। फिर इस कैमरे में मतलब फूजी थोड़ा मतलब ऑटो फोकस के मामले में पैनासोनिक के लेवल पे था, लेकिन इस मतलब एक दो मॉडल से पिछले बार से वो फेस डिटेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं और
ऑटो फोकस बेटर हो गया। इसमें ऑटो फोकस लगभग नाइकॉन सोनी और कैनन के लेवल पे आ गया है, बेटर नहीं लेकिन आ गया। मतलब अभी अगर आप इसका ऑटो फोकस सिस्टम लेते हैं आप खुश रहिएगा। मतलब अगर ये मिस कर रहा था ऑटो फोकस तो चांसेस है कि आपका सोनी या नाइकॉन या कैनन भी मिस कर देता। आप ये लेने के बाद ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे यार दूसरा कैमरा ले लेता उसका फोकस हो जाता, ऐसा नहीं होगा। मतलब इसका ऑटो फोकस काफ़ी सुधारा गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चूंकि ये कैमरा कंपनी काफ़ी टाइम से चल रही है तो इसके सारे लेंस में भले ऑटो फोकस है लेकिन ऑटो फोकस स्पीड जो है वो लेंस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए लेंस में पुराना सिस्टम वाला है ऑटो फोकस तो स्लोली काम करेगा, इसलिए लेंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए बहुत तेज ऑटो फोकस ये तो कर सकता है लेकिन जो लेंस आप इस पे लगा दिए वही नहीं मूव कर सकता उतना स्पीड से, तो नहीं होगा। तो लेकिन फोकस तब भी करेगा, फोकस आपको मिलेगा, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये कैमरा के बाद सबसे यूनिक बात यह है कि एक्चुअली कॉम्पैक्ट है। मतलब ये एक आप कैमरा निकालेंगे तो ऐसा नहीं लगे सांड निकाल रहे हैं आप, मतलब 1.5 किलो का यू नो डंबल निकाल रहे हैं, एकदम मेहनत कर रहे हैं उस पर। ये एक्चुअली कॉम्पैक्ट है, मतलब आप इसको इस्तेमाल कंफर्टेबली कर सकते हैं। आप लोगों के बीच में इस्तेमाल करेंगे लोग ध्यान भी नहीं देंगे कि आप ये कैमरा लिए, क्योंकि ये बहुत ऐसा चिल्लाता नहीं, देखो मेरे तरफ मैं इतना बड़ा कैमरा हूँ। ये एकदम आराम से शांति से, मतलब आप आराम से ऐसे रखे रहिए कि इस तरह ये स्ट्रीट फोटोग्राफी कोई ध्यान भी नहीं देगा। और इसके लेंसेज भी बनाए जाते हैं सिर्फ APS-C के लिए, तो काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं, जिसमें मतलब माउंट साइज से लेके और मतलब ग्लास का डायमीटर जो है वो काफ़ी कम रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका लेंस जो है कि हाँ कैमरा बहुत छोटा है, लेंस एकदम साइंड साइज का, जो सोनी के साथ मतलब जनरली प्रॉब्लम होता है कि बॉडी तो बहुत छोटा बना दिया उन्होंने, बॉडी एकदम लाइट वेट छोटा है लेकिन लेंस 1.5 किलो का, तो बैलेंस करना दिक्कत होता है। इसमें वैसा झंझट नहीं होगा। तो ये एक्चुअली कॉम्पैक्ट है, मतलब आप इसमें इस्तेमाल करने में कहिएगा कि हाँ ये कॉम्पैक्ट कैमरा है। फिर इसमें USB-C दिया गया है जिसको ये लोग अच्छे से इस्तेमाल किए, जो कि आप मेरा वीडियो अगर सोनी के ये मतलब कैनन कैमरा के बारे में देखेंगे तो उसमें बताया था मैंने USB-C वो लोग दिए लेकिन उसको लॉक कर दिए कि मतलब आप चार्ज नहीं कर सकते। नाइकॉन का भी वही बात सामने आया कि उसको लॉक कर दिया गया है कि आप बैटरी बैंक से नहीं कर सकते, ये एकदम खुला छोड़ दिया। आप ये लोग तो चेक करके दे रहे हैं कि आकी का एक जो बैटरी बैंक है जिसको आप खरीद सकते हैं थोड़ा सा महंगा 3,500 रुपये का, उससे चार्ज कीजिए और जिस टाइम आप कैमरा यूज़ करें वो USB से सीधे चलेगा। जब आप कैमरा नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लिया फोटो खींचे आप छोड़ दिए कैमरा को, वो बैटरी चार्ज करने लगेगा, और आप जब दोबारा फोटो खींचे वो बैटरी से डिस्चार्ज कर देगा या USB से डिस्चार्ज करेगा, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं USB से। तो आप मान लीजिए बहुत लंबे टाइम तक आप कोई लॉन्ग एक्सपोजर कर रहे हैं या आप किसी कारण से टाइम लैप्स बना रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी देर तक कैमरा छोड़ना है, आप आराम से इसमें USB बैटरी बैंक लगा के छोड़ सकते हैं। और USB-C है तो आपको पोर्ट में भी झंझट नहीं है। तो काफ़ी एक्चुअली इंप्लीमेंट किया गया। और इसके जो लेंसेस आते हैं उसके बारे में एक कहावत कहा जाता है कि इसका लेंस में फील होता है, थोड़ा सोल होता है। आप मतलब ज़बरदस्ती का आप लेंस ऐसा नहीं लेना चाहोगे जो एकदम शार्प कर दे, जैसे मेरा ये चेहरा है थोड़ा सा ब्लरी है तो ठीक है, अगर एकदम मेरा एक एक दाना अधूरी एकदम एक एक बाल दिखने लगे बड़ा अजीब लगने लगेगा, मतलब थोड़ा सा क्रूल लगने लगेगा। तो रोमांटिक फोटोज़ में आप देखते होंगे काफ़ी थोड़ा सा सॉफ्ट रखा जाता है, इसके लेंस वैसे ही होते हैं। तो इसके लेंस की क्वालिटी में आपको नहीं सोचना है, भले आप बोल दिए कि नाइकॉन का लेंस इससे ज़्यादा स्पीड है, सिग्मा का लेंसेज ज़्यादा शार्प है, लेकिन एक फील होता है वो इसके लेंसेज में है। तो अभी आपको सोचना ही है, अगर APS-C का क्वालिटी ऑटो फोकस ये सब के बारे में बात करना है तो इससे आगे पीछे भी कोई नहीं आता। और ये चूँकि APS-C है जो कि माइक्रो फोर थर्ड से बड़ा होता है तो उसके कारण से ये APS-C से तो ये मतलब माइक्रो फोर थर्ड से बेटर इमेज परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी पैनासोनिक जी सीरीज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लस पैनासोनिक का ऑटो फोकस तो ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या कोई नुकसान है? हाँ, एक नुकसान है जो सबसे मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है कि इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं दिया गया है। अब आप बोलोगे नहीं फ्लिप आउट देना मुश्किल बात है, नहीं, ये इन्हीं का कैमरा है फूजी फिल्म का ही XT100 जो कि सस्ता है, उसमें भी वही तिगड़म वाला स्क्रीन है, मतलब इसमें हिंज नहीं है। मतलब आपको तो पता ही है कि पैनासोनिक और कैनन वाले कैमराज में हिंज होते हैं कि मतलब आप लीजिए और उसको घुमाइए, तो ये लोग ऐसा स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं जो फ्लिप होता है, हिंज नहीं है। लेकिन उसमें भी ये लोग मेथड दे दिए कि स्क्रीन बाहर की तरफ फोल्ड हो जाए, ज़बरदस्ती का ये फीचर हटा देना ये मुझे बहुत डरावना लगता है, क्योंकि ये जो भी कंपनी करती है जैसे कैनन करते आ रही है कि ज़बरदस्ती का अपना फीचर हटा देती है लो लेवल सिस्टम से और उसको हाई एंड के लिए रखती है, और खासकर में अब तो वीडियो कैमराज में वो दे ही नहीं रही है, यानी DSLR में फीचर नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती का क्रॉप करें ताकि उनका सी सीरीज लाइनअप टिका रह जाए, तो वैसा ये कंपनी कर रही है तो थोड़ा डर लग रहा है। तो अभी तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आपके लिए फ्लिप आउट स्क्रीन ज़रूरी है तो ये मत लीजिए, क्योंकि बिना फ्लिप आउट के आपका बहुत सारा काम अटक जाएगा, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ये तो कर ही नहीं पाऊँगा। तो फ्लिप आउट को ना देना मुझे परेशान करता है कि मतलब क्योंकि दे सकते थे, ये इन्हीं का कैमरा है, इन्हीं ने बनाया, इसी साल बनाया है, तो इनके पास टेक्नोलॉजी था, ज़बरदस्ती का उसको ना देना वो अजीब आइडिया है। और जो दिए भी हैं वो बड़ा अजीब है कि मतलब ठीक है अप और डाउन है, ठीक है
लेफ्ट में निकलता है भाई। ई क्या मतलब है, क्यों मतलब जबरदस्ती का आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? और इसमें आईबस नहीं है, तो आईबस में मुझे उतना परेशानी नहीं है क्योंकि लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन आता है और आईबस फिजिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आपको फिजिकली जगह मतलब कैमरा को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है ताकि सेंसर उसके अंदर मूव कर सके। और ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आईबस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको देने के लिए आपको मतलब खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। हिंज तो फ्री था, आपके पास था, क्यों नहीं दिया? फिर इसमें रिकॉर्डिंग लिमिट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो SD कार्ड स्लॉट है, वो दो SD कार्ड UHS-II है। ये बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि UHS-II का मतलब ये होता है कि उसके कार्ड ज़्यादा स्पीड पे चलते हैं, राइट स्पीड, खास करके रीड स्पीड आपको लगभग सेम ही मिलेगा लेकिन राइट स्पीड ज़्यादा मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये GH5 मतलब पैनासोनिक GH5 की तरह अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर सकता है, इसमें 30 मिनट का लिमिट है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसमें फैट फाइल सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि जैसे ही फाइल आपका 4 GB से बड़ा होगा फाइल बंद करके एक नया फाइल स्टार्ट करती है। तो मतलब आप आधा घंटे का रिकॉर्डिंग तो किए, ठीक है, आपको जब कंप्यूटर में जाइएगा तो एक फाइल नहीं मिलेगा जो आधा घंटे का, आपको मतलब बहुत सारे फाइल मिलेंगे जो 6-6 मिनट के हैं, तो 6 मिनट या 4 मिनट जैसा आपका सेटिंग है। तो ये झंझट मतलब रूमर्स में आ रहा है कि ये लोग एक फर्मवेयर फिक्स कर देंगे जिसमें फैट फाइल की जगह XFAT इस्तेमाल किया जाएगा। XFAT सिस्टम में ये 4 GB का लिमिट नहीं होता है, ये मैं अभी कैनन में इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं कैनन में अगर फैट कार्ड डाल देता हूँ कैमरा रिकॉर्ड करेगा आधा घंटा, लेकिन जैसे ही वो 4 GB का फाइल क्रॉस करेगा वो सीधे काट के एक छोटा फाइल बना देता है, मतलब 4 GB का एक फाइल बनाएगा फिर 4 GB का दूसरा। तो वो झंझट के बारे में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चेक कर लीजिए अपने से कि आपके में काम करेगा कि नहीं करेगा, और फर्मवेयर अगर फिक्स कर दिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं ये माइक पोर्ट नहीं है, ये माइक पोर्ट दूसरे तरफ दिया है, माइक पोर्ट और हेडफोन पोर्ट सब है, लेकिन वो इस तरह का रिमोट के लिए पोर्ट दिया गया है जो मतलब इंटरवलोमीटर जिसको कहते हैं, इसके कहकर आप टाइम लैप्स कर सकते हैं, और ऐसा 2.5 इंच जैक है इसका। तो ये भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, टच स्क्रीन आपके पास है, सॉफ्टवेयर इतने एडवांस है, क्वाड कोर प्रोसेसर है तो उसी में दे दो ना, सॉफ्टवेयर में ज़बरदस्ती का क्यों मुझे ये खरीदवा रहे हो? मतलब अजीब अजीब चीज़ छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऑड है इसका मतलब चीज़। लिमिट वाला मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उसके लिए टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा और अभी तक सिर्फ पैनासोनिक ही इकलौता है जो टैक्स देता है, तो इसी कारण से सब कैमरा में 30 मिनट का लिमिट है। तो क्या आपको ये खरीदना चाहिए, इतना अच्छा सिस्टम है तो क्या आपको खरीदना चाहिए? पहले आपको ये समझिए आप एक कैमरा नहीं खरीद रहे हैं, आप एक पूरा सिस्टम खरीद रहे हैं। तो पूरा सिस्टम के बारे में आप ये समझिए कि आपको भूल जाना होगा फुल फ्रेम के बारे में। जैसे मान लीजिए आप APS-C कैमरा लिया हो, जैसे मैं नाइकॉन या कैनन का भी आप खरीदते हैं या सोनी का, तो उसका माउंट सेम रहता है, तो अगर भले आप APS-C लेंस लीजिए आप उसको फुल फ्रेम में लगा पाएंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप फुल फ्रेम में लगाएंगे तो एटलीस्ट क्रॉप में आपको कुछ तो मिलेगा। मान लीजिए आप फुल फ्रेम बॉडी खरीद लिए लेकिन आपके पास पैसा नहीं था लेंस खरीदने का, तो एटलीस्ट पुराना लेंस तो इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो रह पाएगा। इसके केस में वैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ APS-C में रहेगा, तो आपको फुल फ्रेम को एकदम छोड़ देना है, सोचना ही नहीं फुल फ्रेम के बारे में। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप फुल फ्रेम में सोच रहे हैं नहीं मैं भविष्य में फुल फ्रेम में जाऊंगा, ज़रूरी नहीं है, 98% लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है, मुझे पड़ता है क्योंकि मैं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करता हूं, इंस्टाग्राम मैंने आपको लिंक दे देता हूं, नीचे देख सकते हैं। तो मैं जिस तरह का आर्टिस्टिक फोटो करता हूं, मुझे चाहिए मतलब फुल फ्रेम का बेनिफिट चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा है कि फुल फ्रेम का बेनिफिट चाहिए तो मैं कहूंगा कि इस पे मत कूदिए, लेकिन अगर आप फुल फ्रेम को छोड़ सकते हैं मतलब पूरी तरह से, बाद में मत सिर पीटिएगा कि लेने के बाद कि अरे यार फुल फ्रेम रहता तो अच्छा रहता, तभी आप इस पे कूदिए। दूसरा, पहले खरीदने से पहले बैठ के आप हिसाब बनाइए कि आपको कौन कौन लेंस चाहिए और कितना कितना दाम आप दे पाएंगे, फिर उसका लेंस देखिए, क्योंकि इसके लेंस एक तो XFAT होने के मतलब ये जो माउंट है वो ये है क्या बोलता हूँ एक्स माउंट सिस्टम है, और फूजी उतना बिकता नहीं है जितना नाइकॉन और कैनन बिकता है, तो थर्ड पार्टी लेंसेस लगभग ना के बराबर है। जैसे मुझे बस एक ठो सैमसंग खोजने में इतना टाइम लग गया कि सैमसंग का एक ठो 50mm 1.8 aperture का लेंस है, तो इसलिए आप प्लीज़ लेंस देखिए और लेंस का दाम देखिए, क्योंकि भारत में इसका अवेलेबिलिटी उतना नहीं है, सारे लेंस अवेलेबल नहीं है, तो दाम बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लेंस पहले चुनिए, लेंस का दाम देखिए, जब सब चीज़ कंफर्म हो जाए कि आप खुश हैं कि हाँ इतना दाम मैं दे सकता हूँ, मैं इतना लेंस खरीदूंगा, मतलब 2 से 3 लेंस से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पहले ही देख लीजिए कि ऐसा नहीं होगा खरीद तो लिए बाद में अरे लेंस तो भाई 5,000 का मतलब 50-60,000 का है, जहां 30,000 का हमको कैनन या नाइकॉन का मिल जाता, तो इसीलिए पहले लेंस चुन लीजिए और उसी के बाद आप खुश रह पाइए, क्योंकि अगर आप लेंस पहले नहीं चूज किए, कूद गए सिस्टम में कि अरे भैया बहुत बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग है कूद गए, ऑटो फोकस बहुत बढ़िया कूद गए, बाद में लेंस ही नहीं मिल रहा तब आप सिर पीटिएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि लेंस आपको पहले चुनना है, और चूंकि इसकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, ये लगभग घुमा फिरा के आपको लग ही जाता है जितना आप फुल फ्रेम पे खर्च कर रहे हैं,
तो फुल फ्रेम का लेंस के मामले में तो बात ही नहीं करना, उसका जितना अवेलेबल है उतना किसी और चीज़ का नहीं होगा। और अगर कैनन और नाइकॉन लेते हैं आप ईपीएससी, तो लेंस के मामले में तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड और थर्ड पार्टी सब मिला के तो इतने लेंसेस हैं कि ये सब तो टिकता ही नहीं है। तो इसलिए फूजी लगभग 90% लोगों को खुश रख सकता है, लेकिन अगर आप उस टाइप के नर्ड हैं जिनको बड़ा से बड़ा कैमरा चाहिए तो आप सिर पीटिएगा। और मीडियम फॉर्मेट पर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ये सब लेंस काम करेगा, आपको दूसरा लेंस खरीदना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फूजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। मैं कहूँगा कि आप बेल बजा दीजिए अगर आप खाली हैं तो। और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।